कहने के लिए तो पत्रकार सच का आईना, समाज सेवी जनता की आवाज और ना जाने क्या क्या होते हैं, लेकिन आज के युग में पत्रकारिता के नाम पर कुछ दलाल पत्रकार कलंक लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में सामने आया, जहां दलाल पत्रकारों के जरिए निपटारा किया जाता है। कितने की दवाई लाए? 700 रुपए की। अब क्या स्थिति है तुम्हारी मम्मी का, अब क्या हाल है? हाल तो अभी कुछ नहीं, अभी एक्सरा हुआ है, अब जब कभी उनका हाल सही होगा तब देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा कल तक। मतलब आपका कहना है कि दवाई ही बाहर से लिखी जाती है और डॉक्टर लोग फीस भी लेते हैं? फीस भी, मतलब उन डॉक्टर ने नहीं फीस ली, लेकिन वहाँ अब जैसे अभी उनकी सरंज जो थी वो खराब हो गई थी, तो एक बवाई मैडम, उन्होंने वो सरंज दूसरी अपने तीस लगाई और 50 रुपए ले लिए, लोग दो तीन लोगों से लिए। मतलब आपका कहना है कि जो वार्ड बॉय हैं और जो वहाँ पर नर्सों का काम कर रहे हैं वो लोग पैसे लेते हैं? हाँ, तो आप कहने का मतलब है हम लोग एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हमारे मरीज को कोई तकलीफ न हो जाए, घबराते हैं, सारी बातें ये हैं, नहीं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करने के लिए हम कोई कमजोर नहीं है और कह सकते हैं आपके सामने, लेकिन वही बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। हम लोग फरियाद इसीलिए नहीं करते हैं कि जैसे अगर हमने फरियाद कर दी हमारे मरीज को किसी अल्ट्रासाउंड कोई दवा दे दी या नहीं दी तो या हमारे मरीज को निकाल दिया तो हम कहाँ लेके जाएंगे। हमारा नाम किशन लाल है, मैं उधरनपुर का रहने वाला हूँ, जिला हरदोई के रहने। क्या मरीज का नाम है आपका? हमारे राम लली। बेड नंबर कहाँ पे? ये ऊपर है 3 मंजिल पर। हम अपनी बहन को लाए थे, बहन के पेट में बच्चा था, तो यहाँ पे भर्ती नहीं कर रहे थे, तो बहुत शामत करी मैडम की, तो भर्ती कर लिया। फिर उसके थोड़ी देर बाद बोली, कमरे में घुस गई, थोड़ी देर बाद बोली मेरी छुट्टी का टाइम हो गया, दूसरी जब डॉक्टर नहीं है उनसे कहा तो बोली वो ही देखेंगी, वो भी कमरे में घुस गई, लिख लिए नहीं, बहुत काफी देर इंतजार करते रहे, ऐसी करते करते रात हो गई, सुबह हो गई, सुबह होने के बाद फिर किरण गुप्ता आई तो उनसे कहा, फिर उसके दलाल द्वारा बोले पैसे जमा करो नहीं तो तुम्हारी मरीज की जान चली जाएगी, तो हम लोग ने 1500 रुपए के इंतजाम करके किरण गुप्ता को दिए उनके जनता के द्वारा, ठीक। और फिर मेरी बहन का सफाई करके और बाहर की दवाई लिख दी और फिर पीछे के रास्ते चले जाओ, तो हमने कहा मैडम कोई चोर थोड़ी जो पीछे के रास्ते चले जाएं, तो बोले नहीं आप जाइए और तुम्हारी छुट्टी हो गई, आप यहाँ पे नाम किया, फिर हम रुके रहे तो फिर बहुत देर के बाद किया, गए नहीं अभी तरह, तो इस तरीके चल रहा है, मगर अभी तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम साहब को कई बार प्रार्थना पत्र दे चुके, सारे अधिकारियों के चुके हैं, बहस भी कर चुके हैं, मगर अभी तक कोई मेरी सुनने वाला नहीं है, और जब कोई बड़ा मामला होता है तो पीड़ित ही मुकदमा दर्ज किया जाता है, और आज तक अभी तक कोई किसी डॉक्टर पे नहीं जो है मुकदमा किया गया, ना कोई कार्रवाई की जाती है, और जात के नाम पर ही खत्म हो जाता है, अगर कहते हैं हम संज्ञान में नहीं है मेरे मामला। और अगर अभी नहीं आया कोई तो 10 मिनट बाद मैं टंकी पे चढ़ जाऊंगा, इसके जिम्मेदार डीएम साहब होंगे, यहाँ के जो अस्पताल के अधिकारी हैं वो जिम्मेदार होंगे, अभी तक कोई सुध लेने वाला नहीं, मैंने एक हफ्ते का टाइम दिया था मगर अभी तक टाइम होने के बावजूद भी कोई नहीं, मैं सुबह से यहाँ पे धरने बैठा हूँ, अभी कोई सुनने वाला नहीं है, टंकी चढ़ूंगा। 80% वाली बात है, हमारे और बहुत से रिश्तेदार आए थे, वो जो है इलाज करा के यहाँ से जाते हैं और हम आते हैं तो देखते भी है, इसलिए हाँ। डॉक्टर साहब का नाम बताना चाहेंगे? नाम तो सर हमें पता नहीं है। महिला है महिला पुरुष दोनों, मतलब महिला को तो नहीं, पुरुष ज्यादातर लेते हैं पैसे। हाँ, पुरुष डॉक्टरों में कौन कौन डॉक्टर पैसे लेते हैं? अब डॉक्टरों का तो सर हमें नाम नहीं पता, सबकी बैक साइड में दुकानें हैं, सबकी बैक साइड में दुकानें, वहाँ प्राइवेट इलाज होता है। फीस कितनी जाती है? अब फीस का तो पता नहीं, 200-400 रुपए होती है फीस कम से कम। दवाई अंदर से देते हैं बाहर से लिखते हैं? अंदर से भी थोड़ी बहुत देते हैं, अधिकतम बाहर से लिखते हैं।